मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आपके स्वास्थ्य की शुभकामना हम सब का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज हम हिंदी विषय में उपविषय विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण की परिभाषा लिखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के सार भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक जिसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के चार भेद हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का ज्ञान कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं भी बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। परिभाषा लिखें। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा
स्वाद आदि का बोध कराते हैं। तथा अन्य कई कई विशेषताएं भी बताते हैं। ये गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं, यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का ज्ञान कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं भी बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे गुणों में अच्छा, बुरा, दोष, दोष में अच्छा भला, दोष में बुरा अशिष्ट, रंग, रंग में काला, लाल, पीला, रूप, रूप में सुंदर, कुरूप, दशा, दशा में रोगी, स्वस्थ, आकार, आकार में गोल, सपटा, फिर दिशा, दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके अलावा देश, भारतीय, पाकिस्तानी, काल, नया, पुराना, आयु, वृद्ध, युवा, स्पर्श, कठोर, स्वभाव, क्रोधी, दयालु, स्वाद, कड़वा, मीठा, गंध, सुगंधित, दुर्गंध, प्रभाव, मारक, मोहक, यानी कि गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण,
दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा स्वाद आदि का ज्ञान कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं भी बताते हैं। इसमें गुणों में लिया गया है अच्छा और बुरा, दोष में लिया गया है बुरा अशिष्ट, रंग में लिया गया है काला लाल पीला हरा जो भी है, रूप में लिया गया है सुंदर कुरूप, दशा में लिया गया है रोगी या स्वस्थ, आकार में लिया गया है गोल या चपटा, दिशा में लिया गया है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशा में है देश में है भारतीय और पाकिस्तानी, काल में है नया पुराना वर्तमान काल भूतकाल जो भी है, आयु में है वृद्ध और युवा, स्पर्श में है कोमल और कठोर, स्वभाव में है क्रोधी दयालु, स्वाद में है कड़वा मीठा, गंध में है सुगंधित और दुर्गंध, और प्रभाव में है मार्ग क्षमता या सम्मोहन यानी मोहक। ये गुणवाचक विशेषण के लक्षण हैं। धन्यवाद। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा स्वाद आदि का बोध कराते हैं, बोध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं भी बताते हैं, ये गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे गुण, अब गुण में क्या आता है, अच्छा भला, दूसरा है दोष, दोष में बुरा अशिष्ट, आगे रंग, रंग में काला लाल पीला हरा जो भी है, फिर रूप, रूप में सुंदर कुरूप, दशा, दशा में रोगी स्वस्थ, आकार, गोल, चपटा, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देश भारतीय पाकिस्तानी, काल नया पुराना, आयु वृद्ध युवा, स्पर्श कोमल कठोर, स्वभाव क्रोधी दयालु, स्वाद कड़वा मीठा।
गंध सुगंधित दुर्गंध प्रभाव मारक मोहक, यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा स्वाद आदि का ज्ञान कराते हैं तथा अन्य कई विशेषताएं भी बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे गुणों में अच्छा या भला, दोष में बुरा या अशिष्ट, रंग में काला लाल पीला हरा, रूप में सुंदर और कुरूप, दशा में रोगी या स्वस्थ, आकार में गोल या चपटा, दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देश में भारतीय पाकिस्तानी अमेरिकी रूसी, काल में नया पुराना आधुनिक काल या वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, आयु आयु में वृद्ध या युवा, स्पर्श में कोमल या कठोर, स्वभाव में क्रोधी या दयालु, स्वाद में कड़वा या मीठा, गंध में सुगंधित या दुर्गंध और प्रभाव में मारक या मोहक, मारक क्षमता या सम्मोहन करना। ये सारी के सारी जो बातें हैं ये गुणवाचक विशेषण का एक लक्षण है। गुणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या माप तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कुछ दूध दो सौ ग्राम चीनी, ये गुण ये परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तोल तथा परिमाण का ज्ञान कराते हैं, मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध 200 ग्राम चीनी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के भेद,
परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तोल और मात्रा यानी परिमाण का ज्ञान कराते हैं। इसके भेद किए गए हैं, इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध है कराते हैं। निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे तीन लीटर दूध है, दो किलो सब्जी जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे तीन लीटर दूध और दो किलो सब्जी ये निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं, अतः यहां पर एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी इतने पैसे, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित
मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं, जैसे थोड़ा पानी इतने पैसे। विद्यार्थियों, हमने विशेषण के चार भेद बताए हैं, जिसमें पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के दो भागों का अध्ययन किया, कल शेष दो भागों का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे सुंदर सुंदर हस्तलेख में लिखना है, जिसे विद्यालय में जांच किया जाएगा। धन्यवाद।